ज्वालामुखी में एक बहादुर 14 साल की बच्ची अदिति सूद ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए वह करके दिखाया है जिसे शायद ही कोई कर पाए। यह बच्ची अदिति सूद मात्र 14 साल की बच्ची है जिसके पिता चिंतन सूद दिल्ली के कौशाम्बी में सेंट्रल पार्क होटल में मैनेजर हैं और उसकी माता ऋतु सूद द्वारका सेक्टर 12 दिल्ली में होटल कृष्णा रेजिडेंसी में कार्यरत है। उन दोनों की इकलौती बेटी जो मात्र 14 साल की है और सर्वोदय मॉडल हाई स्कूल देहरा की छात्रा है। ये लड़की पिछले 4 माह से अपने घर में अकेली है। उसके माँ बाप 4 महीने पहले उसको स्कूल छोड़कर अपनी ड्यूटी देने दिल्ली चले गए थे। वह जब घर आने लगे तो पूरे देश में लॉकडाउन हो गया और वह चाहते हुए भी अपने घर नहीं आ पाए। परंतु उनकी बेटी अदिति सूद, जिसने न केवल उनकी गैरहाजिरी में अपने नवमी के पेपर देकर 10वीं कक्षा में प्रवेश किया बल्कि पिछले 4 माह से वह अपने घर में अकेले खुद ही भोजन बना रही है, खुद ही पूजा अर्चना करती है और अकेले घर में ड्राइंग बना रही है, कभी घर की साफ सफाई कर रही है और कभी टीवी में खबरें सुन रही है। उसके पिता चिंतन सूद ने फोन पर बताया कि ये बच्ची पहली कक्षा से लेकर अब तक प्रथम आई है। शिक्षा में उसका बहुत झुकाव है और अपने घर में रहकर स्कूल का होमवर्क ऑनलाइन के माध्यम से कर रही है। उसके माता पिता को अपनी बेटी की बहुत चिंता है। यह बच्ची जरूरत का सामान खुद बाजार में लेने जाती है और उसने बताया कि मैं घर में अकेले घबरा नहीं रही हूँ। शुरू शुरू में उसे डर भी लगा परंतु अब बहादुर सिपाही की तरह कोरोना वॉरियर बनकर लोगों के लिए एक मिसाल बनना चाहती है। अदिति सूद ने ऐसे बच्चों को प्रेरणा दी है जो बिना माँ बाप के यहाँ पर व देश में बाहर कहीं भी फंसे हुए हैं। अदिति सूद ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, ईश्वर सबकी मदद करते हैं। अदिति सूद ने कहा कि वे लखगढ़ बाजार शिमला के रहने वाले हैं और यहाँ ज्वालामुखी में एक किराए के मकान में रहते हैं। आपका नाम और बताइए बेटा। मेरा नाम अदिति सूद बोलते और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और अब मैं 9th क्लास के पेपर फाइनल करके अब मैं 10th क्लास की तैयारी कर रही हूँ और मेरे स्कूल का नाम सर्वोदय मॉडल हाई स्कूल दे रहा है और मेरे पापा का अपना होटल है और वो होटल मैनेजर है और मेरी मम्मा हाउसवाइफ है बट वो भी इस टाइम दिल्ली में ही है तो वो दोनों अलग अलग हैं बल्कि मैं भी यहाँ पर अलग ही हूँ तो इसलिए जब से मेरे फाइनल्स हो गए हैं तब से मैं अकेली रह रही हूँ यहाँ पर। अब मुझे कई मुश्किल्स भी होती है मम्मी पापा के बिना मेरा मन नहीं लगता घर पे पर मैं ड्राइंग वगैरह कर लेती हूँ पढ़ लेती हूँ कुकिंग कर लेती हूँ घर टाइम स्पेंड करती हूँ ड्राइंग करके कुकिंग करके क्राफ्ट्स डाइस सब कुछ करती हूँ मैं और सुबह उठ के मैं पूजा डेली करती हूँ और कुकिंग भी मैं खुद करती हूँ 3 टाइम्स का खाना मैं खुद बना लेती हूँ और मेरे मम्मी पापा दोनों 4 महीनों से दिल्ली में ही रहते हैं तो मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने लगे तो वो आने लगे पर अगले दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया इसलिए वो आ नहीं पाए और रात में मुझे कई प्रॉब्लम भी होती है सोने के टाइम मुझे डर लगता है बट ऐसी कोई बात नहीं मेरे मम्मी पापा ने मेरे को समझाया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती है आपके किराएदार मकान मालिक बहुत अच्छे हैं साथ में पड़ोसी बहुत अच्छे हैं वो सारा आपका ख्याल रखेंगे ऐसी कोई बात नहीं बच्चों को डरना चाहिए आप ब्रेव बच्चे हो इसलिए आपको नहीं डरना चाहिए। और मेरे स्कूल वालों ने भी कई मीन्स मेरे लिए कुछ किया उन्होंने मेरे को समझाया कि कोई बात नहीं अभी मम्मी पापा जल्दी आ जाएंगे मेरे को कुछ 3 दिन तक दुख भी लगा कि मैं अकेले रह रही हूँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने मम्मी पापा के बिना दूर रहूँगी ऐसे वैसे। ज्वालामुखी से हिमाचल क्राइम न्यूज के गुरुदेव राणा की रिपोर्ट। की जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर ना निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी बुखार और सांस लेने में तकलीफ है घबराएं नहीं बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी जुकाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।